अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। गाइस, आज की वीडियो में हम एनटीएस के जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये हमारा जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज का पार्ट 7 है। इससे पहले हम अपने पार्ट 6 को डिस्कस कर लिए, तो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं जनरल नॉलेज के, जो एनटीएस के जनरल नॉलेज के जो पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज हैं उसका पार्ट 7 है हमारे पास, जनरल नॉलेज एमसीक्यूज पार्ट 7। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ कायद। तो कायद अजम की वाइफ के बारे में ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ कायद। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ रतन भाई, ऑप्शन बी मोटी भाई, या ऑप्शन सी में कहता है मैरी भाई, या फिर रीता भाई, या फिर रोमा भाई। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर बनता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है, रतन भाई। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 42 क्वेश्चन नंबर है। पाकिस्तान है डैश स्टेट्स, तो पाकिस्तान कौन सी स्टेट है। ऑप्शन ए में कहते हैं इन आइडियोलॉजिकल स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, सोशियोलॉजिस्ट स्टेट, या स्कॉलर स्टेट, या फिर कैपिटलिस्ट स्टेट। तो ऑप्शन इसमें ए इज़ द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन यहाँ गिवन भी है ये वाला, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है, पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इसमें जो आगे आंसर भी लिखा हुआ है ये भी राइट आंसर ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, पाकिस्तान इज़ सोवरगन हैज़। तो 43 क्वेश्चन के अंदर आंसर है पूछ रहा है वो हमारे पास, 43 में कहता है एज अ वेलफेयर स्टेट, एज इस्लामिक स्टेट, एज सेकुलर स्टेट। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज़ अ इस्लामिक स्टेट। तो इसमें आ जाएगा पाकिस्तान इज़ सोवरगन हैज़ इस्लामिक स्टेट। तो ऑप्शन बी 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम कैप्चर दिबुल इन कराची। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध को जो किया था फतह किया था वो कब किया था, मोहम्मद बिन कासिम कैप्चर द दिबुल इन कराची। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए में राइट आंसर है 712 हिजरी, 812 हिजरी, या फिर 912 हिजरी, या 1012 AD। तो इसमें राइट आंसर जो बनता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब किया था, 712 AD, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो सर सैयद अहमद खान ने उनको इस्टेब्लिश किया था वो कब बनी है, 1980 के अंदर, 1990 के अंदर, या फिर 1910 के अंदर, या फिर 1920 के अंदर। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बेसिकली सर सैयद अहमद खान ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमारा राइट आंसर बनता है 1920 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट है, ऑप्शन ई इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है हॉटेस्ट एरियाज़ इन समर सीज़न इन पाकिस्तान आर लोकेटेड इन। तो पाकिस्तान के अंदर जो समर सीज़न के अंदर जो हॉटेस्ट एरियाज़ कौन से वाले जो एरियाज़ हैं वो हॉटेस्ट थे, पंजाब एंड कश्मीर, कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान एंड पंजाब, या फिर सिंध एंड बलूचिस्तान, या फिर बलूचिस्तान एंड KPK। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन 46 क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, के बलूचिस्तान एंड KPK, जिससे काफ़ी हॉटेस्ट एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर समर सीज़न के अंदर। तो ये हॉटेस्ट एरियाज हैं ऑप्शन, इसमें हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन ई, इज़ ऑप्शन ई राइट आंसर बनता है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी, काइंडली जो भी नए फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन उनको टाइम पर मिल सकें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया उसको भी जाके आप लाइक कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप किसी भी MCQs इलेक्ट्रिकल के MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।